खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर में एक छात्रा को घर की झूठी कहानी सुनाकर युवक ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक ने छात्र से कहा था कि उसकी माँ बीमार है और बहन की शादी करनी है। युवक की बातों में आकर छात्रा ने घर में रखे अपनी माँ के 8 तोला सोने के जेवर युवक को दे दिए। लेकिन युवक ने जब काफी दिनों तक जेवर नहीं लौटाए तो छात्रा ने युवक से जेवर वापस करने को कहा तो युवक ने जेवर लौटाने से साफ मना कर दिया, जिसकी शिकायत छात्रा ने थाने पहुंचकर पुलिस से की है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर धोखाधड़ी करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के न्यू सुरेश नगर कॉलोनी में रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा रश्मि पुत्री शिवराम मांझी अभी बीकॉम की पढ़ाई कर रही है। छात्रा के साथ कोचिंग में उमेश गुर्जर उर्फ राधव पुत्र हुकुम सिंह गुर्जर निवासी फर्श वाली गली गुढ़ा भी पढ़ता है। क्योंकि कोचिंग में दोनों साथ पढ़ते हैं, इसलिए उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। 4 मार्च 2022 को उमेश उसे थाटीपुर चौराहे पर मिला और उसका रास्ता रोककर बातचीत के बहाने रोका और बताया कि उसकी बहन की शादी है और उसे कुछ जेवर की जरूरत है। उसने छात्रा से कहा कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसका इलाज कराना है और उसे अपनी बहन की शादी भी करनी है, जिसके लिए उसको पैसे चाहिए हैं। इसके बाद वह सड़क पर ही रोने लगा तो छात्रा उसके झांसे में आ गई और अपनी माँ से बिना पूछे 4 लाख रुपए कीमत के सोने का हार, चूड़ियां, झुमकी, टॉप, सुबह अंगूठी सहित 8 तोला भजनी जेवर युवक के हाथों में थमा दिए। जब युवक ने काफी दिनों तक जेवर नहीं लौटाए तो छात्रा ने युवक से अपने जेवर वापस करने को कहा तो वह आज कल में देने की कहने लगा। जब छात्रा ने युवक पर जेवर लौटाने का दबाव बनाया तो युवक जेवर देने से मुकर गया और छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। छात्रा ने अपने स्तर पर युवक के बारे में छानबीन की तो पता चला कि युवक ने उसकी माँ के जेवर मणिपुरम गोल्ड लोन देने वाली कंपनी में सोना गिरवी रखकर लोन ले लिया। ठगी का एहसास होते ही छात्रा ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा ने थाटीपुर थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि वह KRG कॉलेज में स्टडी कर रही है। उसी दौरान उसकी एक युवक से मुलाकात हुई जो उसका अपरिचित था। उसके बाद युवक से उसकी दोस्ती हो गई थी। युवक ने एक दिन छात्रा को बताया था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और अपनी बहन की शादी करनी है, उसके लिए उसे कुछ पैसा चाहिए होगा और वह बहुत परेशानी में है। छात्रा ने मित्र होने के नाते अपनी मां के जेवर युवक मित्र पर विश्वास करते हुए दे दिए थे। उसके बाद जब छात्रा ने जेवर वापस मांगे तो युवक ने देने से मना कर दिया। जब इस मामले में जांच की गई तो पता चला कि युवक ने मणिपुरम गोल्ड लोन बैंक में जेवर रखकर लोन ले लिया। फिलहाल युवक के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया है। युवक की तलाश की जा रही है। उसके द्वारा बताया गया कि वो KRG में स्टडी कर रही है और उसकी एक जो मुलाकात हुई थी एक परिचित था और मित्र बन गया और उसके द्वारा उसको ये बताया गया कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और सिस्टर की शादी करनी है तो उसके लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए होगा, बहुत परेशानी में हूँ, तो आप मैं पैसा जल्दी वापस कर दूँगा। तो इस तरह की उसके द्वारा जब बात कही गई तो चूँकि मित्र होने के नाते उसने अपने जो घर के जो जेवर थे वो उसने उस युवक को दे दिए और उसके बाद फिर उसने जब मांगे तो उसने फिर देने से मना कर दिया। और जब इसमें अंदर इसमें इंक्वायरी हुई तो इसमें ये पाया गया कि उसके द्वारा उन जेवरों को मणिपुरम गोल्ड में उसमें रखकर और उसमें लोन ले लिया और लोन लेने के बाद इसको पैसा वापस नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये 420-406 IPC सेक्शन के तहत थाना थाड़ीपुर में उस युवक के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया है। जल्दी ही